देश की सबसे तेज गति से चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की तैयारी पूरी कर चुकी है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से कटरा के बीच इस ट्रेन का ट्रायल करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, लेकिन ये ट्रेन सामान्य रूप से वैष्णो देवी के लिए चलेगी या नहीं, इस बात को लेकर रेलवे बोर्ड फिलहाल उलझन में है। सफल ट्रायल के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाएगा। इस ट्रेन का ट्रायल रन करीबन 8 घंटे का होगा और इन 8 घंटों में ये ट्रेन नई दिल्ली से कटरा तक की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से चलने के बाद अम्बाला, लुधियाना जंक्शन और जम्मू तवी से होते हुए कटरा स्टेशन पहुँचेगी। तीनों स्टेशनों पर ये ट्रेन 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। ट्रायल रन में ये ट्रेन सुबह 6 बजे नई दिल्ली से चलकर कटरा स्टेशन पर दोपहर 2 बजे तक पहुंचेगी। ये ट्रेन इस सफर को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करेगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए तिशा गुप्ता की रिपोर्ट।